हेलो एंड वेलकम टू इजी लर्निंग स्मार्ट लर्निंग। जैसा कि आप देख सकते हैं, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है अरे ऑफ पॉइंटर। पॉइंटर का अरे हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, पहले इसकी वजह समझ लेते हैं। पिछले प्रोग्राम्स में अरे के हमने ये देखा था कि जब एक अरे को डिक्लेयर किया जाता है तो हमारे पास में उसकी साइज़ जो होती है वो लिमिटेड होती है। यदि हमको साइज़ अननोन हो, हमको साइज़ अगर अरे की पता नहीं हो कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स आने वाले हैं, मान लीजिए कि हमारे अरे में एन एलिमेंट्स आने वाले हैं, तो तब हम क्या करेंगे? तो इसके लिए हमें डायनामिक अरे की ज़रूरत पड़ सकती है। दूसरी बात, ये तो पहली वजह हो गई कि डायनामिक अरे अगर आपको बनाना है तो पॉइंटर की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं एक एग्ज़ाम्पल आपको समझाऊँगा। दूसरा ये कि जब हम पॉइंटर के अरे के एड्रेस की बात करते हैं, मतलब पॉइंटर की नहीं, अरे के एड्रेस की जब बात करते हैं, तो अरे का एड्रेस जो है वो हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, उसका हम क्या उपयोग कर सकते हैं अरे के एड्रेसेस के द्वारा, और इससे क्या फ़ायदा है, ये बात आती है पॉइंटर टू एन अरे या अरे ऑफ पॉइंटर जिसको बोला जाता है। ये इस टॉपिक में हमको समझने के लिए मिलता है कि इसके आखिर क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो एक सिंपल से प्रोग्राम के साथ हम शुरू करते हैं। एक अरे लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं ARR, और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं इसकी साइज़ जो है वो स्पेसिफाई नहीं करूँगा, जो इसका स्क्रिप्ट है वो मैं नहीं दे रहा हूँ। इसमें कुछ नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ में ले लेता हूँ, ये मेरा वैल्यू देने का तरीका है। अगर आपको पसंद आए तो आप भी ऐसा करिए। तो इस प्रकार से डिफरेंट वैल्यूज़ आप दे सकते हैं, कॉमा से बस इन्हें सेपरेट कर दीजिए। वैल्यूज़ कितनी हैं वो हमें गिनने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट हम कुछ वैल्यूज़ दे रहे हैं रैंडमली। और अब हम क्या करते हैं, एक पॉइंटर लेते हैं। तो पॉइंटर हम लेते हैं स्टार PTR, ये हमारा फेवरेट नाम भी है, हम हमेशा PTR ही देखते हैं बुक्स में। और एक वेरिएबल लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं i। अब हम क्या करते हैं इसे ध्यान से देखिएगा, हम यहाँ पे लिख रहे हैं PTR इज इक्वल टू सिर्फ अरे का नाम, क्योंकि अरे का जो एड्रेस बेस एड्रेस होता है, जैसे कि ये दो एलिमेंट है, ये अरे की वैल्यू है और ये इसका जो बेस एड्रेस है वो ज़ीरो है, क्योंकि अरे का जो बेस एड्रेस है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है। तो जब आप यहाँ पे लिखते हैं PTR इज इक्वल टू सिर्फ ARR, तो इससे होता यह है कि इसका बेस एड्रेस ऑटोमेटिकली पॉइंटर के पास चले जाता है, और यहाँ पे आपको ampersand लगाने की आवश्यकता भी नहीं है। यदि आप ampersand लगाना ही चाहते हैं तब आपको यहाँ पे ampersand इस तरीके से लिखना पड़ेगा ampersand, और यहाँ पे जो भी इसकी स्क्रिप्ट है वो आपको देनी पड़ेगी, क्योंकि आप इसका बेस एड्रेस दे रहे हैं। तो आप क्या करिए, फिलहाल इसको सिर्फ नाम दीजिए ताकि आपको आसानी हो, ज़्यादा कोड ना लिखना पड़े। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक लूप लगाते हैं। लूप में हम केवल स्पेसिफाई कर रहे हैं i इज इक्वल टू ज़ीरो। लूप हम केवल चलाएंगे 5 तक, मतलब 5 इटरेशन इसका करेंगे। i लेस देन इक्वल टू 5, i लेस देन इक्वल टू 5 नहीं 4 दे देते हैं ताकि 5 एलिमेंट्स प्रिंट हो जाएं, और i++। अब हम क्या करते हैं, वैल्यूज़ को प्रिंट कराना शुरू करते हैं। तो हमारे पास में जो वैल्यूज़ हैं वो इस प्रकार हैं, %d, और यहाँ पे देखिए मैं क्या लिख रहा हूँ, PTR। अब देखिए PTR के करंट एड्रेस क्या है, उसका बेस एड्रेस है, तो बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है क्या है, 2 है। तो ये हर बार क्या करेगा, 2 को प्रिंट कर देगा, मतलब 0 से लेके 5 तक जब तक लूप चलेगा ये हर बार क्या करेगा, पॉइंटर की वैल्यू, मतलब बेस एड्रेस पे जो वैल्यू है उसे ही प्रिंट कर देगा। तो अब हमारे पास में एक बेनिफिट ये है कि हम पॉइंटर पे अरिथमेटिक ऑपरेशन भी कर सकते हैं, जो कि हम वेरिएबल के एड्रेस पे तो नहीं कर सकते डायरेक्टली, लेकिन पॉइंटर के साथ ही हमको बेनिफिट मिलता है कि हम पॉइंटर पे अरिथमेटिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको क्या कर दे रहे हैं, इंक्रीमेंट कर दे रहे हैं। तो देखिए पॉइंटर की वैल्यू जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि अरे का बेस एड्रेस ज़ीरो है, और पॉइंटर प्लस प्लस जब हम करेंगे तो पॉइंटर का जो अगला एड्रेस है वो इसको मिल जाएगा, तो इसका अगला एड्रेस पे कौन सी वैल्यू है, 3। और हम इसकी सहायता से क्या कर रहे हैं, पॉइंटर के उस स्थान पे कौन सी वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखिए इसकी पहली वैल्यू है 2, दूसरी वैल्यू है 3, और तीसरी है 42, चौथी है 34, और लास्ट वैल्यू जो है फिफ्थ वैल्यू हमारे लूप के हिसाब से वो है 25। तो सिर्फ इतना सा कोड लिखने से हम अरे को एक्सेस कर सकते हैं। तो इसे कंपाइल करते हैं और रन करके देखते हैं कि ये वैल्यूज प्रिंट हो रही कि नहीं। देखिए यहाँ पे इसका एड्रेस प्रिंट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मैंने सिर्फ PTR लिखा है, और PTR नॉर्मली केवल एड्रेस कोड करता है। आपको करना केवल इतना है, यहाँ पे स्टार लगा देना है, क्योंकि स्टार वैल्यू एट एड्रेस होता है, और सिर्फ यदि आप लिखते हैं PTR तो वो एड्रेस होता है। तो वैल्यू एट एड्रेस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हुए आप इसे फिर से एक बार कंपाइल करिए और रन करिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे 234 जो जो आपकी वैल्यूज़ हैं
यहाँ पे प्रिंट हो गई हैं। इसको एक सेपरेशन दे देते हैं स्पेस के, ताकि वैल्यूज़ जो हैं सेपरेटली हमको दिखाई दें। कंपाइल करके रन करते हैं। देखिए ये सारी वैल्यूज जो हमने यहाँ पे लिखी हुई है वो एज इट इज़ आपको दिखाई दे रही हैं। लूप हमने कितनी बार चलाया, केवल 5 बार। इसी प्रकार यदि आप लूप बढ़ा देते हैं तब क्या होगा, यदि मैं यहाँ पे 10 लिख दूंगा तो देखिए जाहिर सी बात है यहाँ पर हमारे पास यहाँ 10 वैल्यू तो है नहीं। तो अब ये बात होती है कि इस अरे में हमने साइज स्पेसिफाई की स्पेसिफाई तो किया नहीं है। तो यदि ये साइज स्पेसिफाई हम किए होते, मान लीजिए कि इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स हैं, और हम वैल्यूज़ यहाँ पे कितने प्रिंट कराने की कोशिश करें, 10। तो यदि मान लीजिए मैं 10 का अरे लेता तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया है, एलिमेंट्स 9 दिए हैं और लूप लगा रहा हूँ मैं 10 का। तो यहाँ पे हमको पॉइंटर से एक बेनिफिट ये मिलता है कि ये गार्बेज वैल्यू को होल्ड नहीं करेगा, ये क्या करेगा उस जगह पे 0 प्रिंट कर देगा। ये भी एक पॉइंटर का फ़ायदा है। तो हम क्या करते हैं, इसको कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। तो देखिए ये जो उसका एड्रेस है 10वीं लोकेशन पे, उस एड्रेस को यहाँ पे प्रिंट कर रहा है ये। इसी प्रकार आपको गार्बेज वैल्यू दिखने नहीं मिली, और यदि आप एक एलिमेंट और लगा दें यहाँ पे तो ऑब्वियस सी बात है जब आप इसे कंपाइल करेंगे तो आपको वो एलिमेंट भी दिखाई दे जाएगा। देखिए 6 जो है वो लास्ट यहाँ पे 24 के बाद में 6 है, देन 33 है। तो ये हो गया आपके 4, 4, 8 और 3, 11 एलिमेंट्स को प्रिंट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे हमने 10 लिखा हुआ है तो 0 से 10 मतलब 11 एलिमेंट्स हो गए। तो ये है अरे ऑफ पॉइंटर्स का एक एग्जांपल, जो काफ़ी आपके कंसेप्ट को, बहुत सारे कंसेप्ट को क्लियर कर देगा, मेरी ऐसी उम्मीद है। तो यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और यदि आपको पॉइंटर अरे ऑफ पॉइंटर्स में कोई डाउट हो जो कि इस लेक्चर में कवर ना हुआ हो तो उसे कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं पॉइंटर के। थैंक यू वेरी मच।